हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। बहुत दिनों से हमें ये रिक्वेस्ट आ रही थी, सर आप फ्री कैश फ्लो पे कोई वीडियो बनाइए, इसका क्या रिलेवेंस होता है, इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है फ्री कैश फ्लो में। तो बहुत बार हम क्या देखते हैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करने में, नेट प्रॉफिट पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या है कंपनी का। बट माना कि वो भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट फ्री कैश फ्लो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बहुत सारे एनालिस्ट तो जैसे अर्निंग्स पर शेयर को देखते हैं ना, वैसे फ्री कैश फ्लो पर शेयर के हिसाब से भी कंपनीज को एनालाइज करते हैं, और स्पेसिफिकली दोज कंपनीज जहां पे कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है, प्रोडक्शन के फैक्ट्रीज होते हैं उनके, वहां पे बहुत ज्यादा ये मैटर करता है, स्पेसिफिकली टू दोज कंपनीज जिनका डेट बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी कंपनीज के फ्री कैश फ्लो पे बहुत ज्यादा ध्यान आप लोगों ने रखना चाहिए। ये हमेशा फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, कभी कभी किसी किसी साल में ये निगेटिव भी जा सकता है। ये क्यों जा सकता है ये थोड़ा बहुत इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, फ्री कैश फ्लो में कौन से एंगल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तीन टाइप के कैश फ्लोज हमें देखने पड़ते हैं यहां पे। पहला जो कैश फ्लो है वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होते हैं, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो यहां ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या क्या एंगल्स हमने देखने चाहिए। तो पहला इसका जो एंगल है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, कि किसी भी कंपनी का कोई कोर बिजनेस होता है, वहां से कितना कैश जनरेट हो रहा है। और ये कैश जो जनरेट होता है ना दोस्तों, ये सिर्फ नंबर के हिसाब से नहीं देखना चाहिए कि भाई इतना हमारे पास कैश आने वाला है। इट इज नॉट अबाउट आने वाला है, इट इज ऑल अबाउट कि कितना आया है। यहाँ पे रिसीवेबल्स नहीं दिखा है, मतलब वो अगर आप देखोगे तो उस पर बैंक नहीं कर सकते आप, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस चलाने के लिए आपको हार्ड कैश लगता है। हार्ड कैश मतलब करेंसी, मतलब नोट्स नहीं लगते, हार्ड कैश मतलब आपके अकाउंट्स में पैसे होने चाहिए। इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो आपके अकाउंट में आ चुका है, मतलब आपके पास वो कैश इन हैंड है, वो इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा इसमें फैक्टर ये होता है दोस्तों कि वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज हुआ है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसमें वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज आया है। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं दोस्तों, कोई भी ऐसा एसेट जहां से वो इमीडिएटली वो सेल करके लिक्विडिटी जनरेट कर सकते हैं, ऐसे एसेट्स को करंट एसेट्स बोला जाता है। और करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं, जो भी लायबिलिटी है वो नेक्स्ट वन ईयर में मैच्योर होने वाली है, आपको रीपेमेंट करने हैं, ऐसी लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी बोलते हैं। सो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज नथिंग बट वर्किंग कैपिटल में ये चेंज होता है। और इसके बाद तीसरा जो है वो है टैक्सेस, कि आपने टैक्स कितना पे किया है। तो यहाँ पे अलग अलग दो तरीके के, एक तो आपका प्रॉफिट जो होगा वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट पे वो टैक्स लगता है, उसके अलावा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी इसमें इंक्लूड करना पड़ता है हमें। तो ऐसे ये टैक्सेस, सो ये यहां से वो कैलकुलेट होता है। तो मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, कभी कभी ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज आ जाती है तो वहां पे लाइबिलिटीज ज्यादा दिखने शुरू हो जाती है, करंट एसेट्स कम होते हैं लिक्विडिटी जनरेशन के हिसाब से। तो कभी कभी वर्किंग कैपिटल जो होता है चेंज होता है वो निगेटिव हो जाता है, यानी कि करंट एसेट्स कम होते हैं और करंट लाइबिलिटीज ज्यादा होती है। तो ये कभी कभी चीजें होती जाती है, बट ओवरऑल प्रॉफिट आपने पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो देखना चाहिए। और टैक्सेस डेफिनेटली, अगर आपके पास प्रॉफिट्स होंगे तो ही आप टैक्स पे करोगे। तो ये पहला फैक्टर हुआ कि कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज या जो होता है वो फर्स्ट फैक्टर होता है। तो यहां से क्या कैश है ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना चाहिए। ये तीनों यहां पे अगर पॉजिटिव होंगे तो बहुत ही अच्छा है, कभी कभी ऑब्वियसली टैक्सेस पेड होंगे तो वो माइनर निगेटिव हो जाएंगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस जैसे मैंने बताया आपको कि करंट लायबिलिटीज आपकी ऊपर चली जाती है और करंट एसेट्स नीचे आते हैं, तो वर्किंग कैपिटल चेंज निगेटिव हो जाता है, बट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग जो भी एक्टिविटीज है आपके वहां से। दूसरा जो होता है कैश, वो होता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। तो अभी आप लोग बोलोगे कि ये नया ये क्या चीज होता है। तो इसमें कैसे है, कोई भी कंपनी जो होती है वो फिक्स्ड एसेट्स परचेस करती है, तो फिक्स्ड एसेट परचेस करने में उनको अच्छा खासा उनका लिक्विडिटी कंज्यूम होता है। सपोज किसी कंपनी का एबिटा
10 करोड़ रुपए का है और उसे अगर 3-4 करोड़ का कोई फिक्स्ड एसेट खरीदना है, कोई नया इक्विपमेंट खरीदना है, तो वो पैसा वहीं से चला जाता है। इसीलिए इसको फ्री कैश फ्लो में से आपने निगेटिव करना चाहिए। डेफिनेटली हर साल आपको नहीं लग सकता ऐसी चीजें, तो कभी कभी ये हिकअप्स आ सकते हैं कि आपके फिक्स्ड एसेट्स परचेस में थोड़े से ज्यादा पैसे लग जाए, तो वहां पे निगेटिव थोड़े टाइम के लिए फ्री कैश फ्लो लग सकता है। इसलिए कंसिस्टेंटली निगेटिव फ्री कैश फ्लो इज वेरी बैड। कभी कभी आपने 3-4 साल फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव रखा, बाद में कभी निगेटिव हुआ, तो दैट इज अंडरस्टूड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो कैश फ्रॉम एक्टिविटीज मतलब फिक्स्ड एसेट्स आपने क्या क्या परचेस किए हैं, परचेस्ड, और इसमें कभी कभी आप आपके पुराने एसेट्स होते हैं वो सेल भी कर देते हो, तो वो सेल करते हो तो वो पैसा आपके पास आ जाता है। तो ऐसे टाइम पे यहां पे फिक्स्ड एसेट सोल्ड, तो यहां से जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा कैश फ्लो, बट यहां से सोल्ड होगा तो यहां से आपके पास पैसे वापस आ सकते हैं। दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट्स परचेस्ड, आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है, आपके पास ट्रेजरी अवेलेबल है, तो आप एग्जांपल आप मतलब कंपनी कभी कभी लिक्विड फंड्स में पैसे पार्क करते हैं, कभी कभी वो फिक्स डिपॉजिट्स में पैसे पार्क करते हैं, तो ऐसे चीजों को इन्वेस्टमेंट्स परचेस में चला जाता है। मतलब कैश एक्चुअली जो आपके पास है वो कहीं जाके लॉक हो गया है, तो वो हो गया यहां से निगेटिव चला जाएगा। निगेटिव मतलब उसको वैसे मत समझिए, बस उसको माइनस करना होगा आपको। एंड अगर कभी कभी आपके वो मैच्योरिटीज आ जाते हैं, वो पैसे आप निकाल लेते हो, तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो ये पॉजिटिव है। तो यानी ये 4 फैक्टर जो है, निगेटिव मतलब फिक्स्ड एसेट्स आपने परचेस किए तो आपके यहां से कैश फ्लो बाहर जाने वाला है, फिक्स्ड एसेट्स आपने अगर सेल किए तो आपके पास पैसा वापस आने वाला है, इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने परचेस किए तो आपके अकाउंट से पैसा बाहर जाने वाला है, इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने सेल किए तो पैसा आपके पास अंदर आने वाला है। तो ये इसीलिए निगेटिव पॉजिटिव ये सारी चीजें होती रहती है। तो ये जो भी चीज आपके पास कैश फ्लो आपके पास आ रहा है दैट इज पॉजिटिव, जो भी आपके से बाहर जा रहा है वो आपके कैश फ्लो से निगेटिव हो जाएगा। तो ये हुआ कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ऐसा ही और एक है जो है कैश फ्रॉम बोरोइंग्स, यानी कि कंपनीज लोन्स लेते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोल सकते हो आप इसको। तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग और बोरोइंग जो कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, तो इसमें कैसा है, जब भी आप कोई बोरोइंग्स लेते हो अकाउंट में आता है आपके, तो आपने लोन टेकन, तो ये आपके लिए पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इन द सेंस कि आपके कैश फ्लो में ये पैसा आने वाला है। जब भी आप लोन रीपे करोगे रीपेमेंट, तो ये निगेटिव होगा, मतलब आपके यहां निगेटिव मतलब वैसा निगेटिव नहीं, बट आपके कैश फ्लो से पैसा बाहर जाने वाला है। वैसे ही थर्ड, आपने अगर लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, तो अगर आपने इंटरेस्ट पे किया तो यहां से पैसा बाहर जाने वाला है। तो ये, और चौथा जो एक पॉजिटिव चीज भी है, अगर आपने डिविडेंड पे किया, अगर आपने डिविडेंड पे किया तो ये भी चीज आपके अकाउंट से या फिर आपके कैश फ्लो से बाहर जाने वाली है। तो यानी यहां पे अगर हम पूरा ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, तो पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपके पास पैसा कहां कहां से आया। एक तो ऑपरेशन से पैसा आया, वर्किंग कैपिटल में अगर कुछ चेंज हुआ, वर्किंग कैपिटल चेंज अगर पॉजिटिव है तो वो ऐड करोगे, अगर करंट एसेट्स कम है करंट लायबिलिटीज ज्यादा है तो वो निगेटिव हो जाएगा। टैक्स अगर आप पे कर रहे हो तो वो भी आपके कैश फ्लो से निगेटिव होगा। आपने अगर फिक्स्ड एसेट्स परचेस किए हैं किसी कंपनी में, वो भी आपके कैश फ्लो से निगेटिव हो जाएगा। आपके फिक्स्ड एसेट्स एग्जिस्टिंग थे, आपने उन्हें सेल किया, तो वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, इसीलिए फिक्स्ड एसेट सोल्ड पॉजिटिव हो जाएगा कैश फ्लो में। इन्वेस्टमेंट्स परचेस मतलब आपने अकाउंट से पैसे डाल के निकाल के कहीं इन्वेस्ट किए लिक्विड फंड्स एफडीज वगैरह, तो वो निगेटिव हो जाएगा कैश फ्लो वहां से, क्योंकि आपके हाथ से तो वो पैसा निकल गया, बट ये इन्वेस्टमेंट्स कुछ इन्वेस्टमेंट मैच्योर होकर वापस आपके पास आई तो वो आपके कैश फ्लो में पॉजिटिव हो जाएगा। ये रहा दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तीसरा जो है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी या बोरोइंग एक्टिविटी आप बोल सकते हो। तो उसमें जैसे प्रोसीड्स फ्रॉम आपने जो लोन्स लिए हैं, तो ऑब्वियसली आप किसी से लोन लोगे तो वो पैसा आप आपके अकाउंट में डालोगे। अगर वो लोन कुछ आपके एग्जिस्टिंग लोन्स है उन्हें आप रीपेमेंट कर रहे हो तो वो पैसा आपके अकाउंट से निगेटिव माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट आपको अगर लोन लिया है तो पे करना पड़ेगा, वो अकाउंट से निकल जाएगा। डिविडेंड्स अगर आपने पे करने हैं या किए हैं
तो वहां से वो पैसा निगेटिव हो जाएगा। तो ये सारी कैश फ्लो जो होंगे इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी पॉजिटिव निगेटिव फिगर्स के हिसाब से आपने करने चाहिए। तो उसके बाद अगर आपका कैश फ्लो पॉजिटिव लगता है तो उसे पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। और नॉर्मली वॉरेन बफे जैसे इन्वेस्टर्स फ्री कैश फ्लो पे बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं। एक आध साल निगेटिव हो सकता है क्योंकि आपने जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या वहां पे अगर फिक्स्ड एसेट्स बड़े बड़े परचेस किए तो वहां एक आध साल आपका निगेटिव हो सकता है। बट कंसिस्टेंटली अगर आपके फ्री कैश फ्लो निगेटिव है तो दैट इज अ वरिंग साइन। इसीलिए पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी, और दैट टू मेजरली फॉर दोज कंपनीज जो जहां पे बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है। ऐसी कंपनीज को कंसिस्टेंटली निगेटिव फ्री कैश फ्लो नहीं होना चाहिए ऐसी कंपनीज का। सो ये चीज भी आप लोगों ने देखनी चाहिए। आने वाले जो हम कंपनी एनालिसिस करते हैं हम जरूर चाहेंगे कि ये फ्री कैश फ्लो के नंबर्स भी हम इंक्लूड करें, बट नॉर्मली ये ईयरली जब भी आपका टोटल एनुअल रिपोर्ट आता है या फिर फाइनल पूरे साल के रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं तब ये एनालाइज करना इज मोर प्रूडेंट रादर देन इन बिटवीन, क्योंकि कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो इसीलिए ईयर ऑन ईयर इसको ज्यादा ट्रैक करना चाहिए आप लोगों ने। सो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट investedmia.in पे जाके हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आपको मंथली मेंबरशिप लेना है तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वहां पे भी हम महीने के 5 वीडियोस अपलोड करते हैं डिटेल एनालिसिस वाले। बाकी हमने ये taxedmia.in ये इनकम टैक्स नॉलेज बैंक लॉन्च किए, तो हम चाहेंगे जरूर आप उसका भी वहां विजिट करके उस वेबसाइट पे विजिट करके ये सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।